महापंचायत जम्मू में और मैं पीढ़ी से चेयरपर्सन है डोडा कारा से मैडम महात्मा पार्वती मैम, जो आज का ये महापंचायत यहाँ आने जा रही है या हो रही है, इसका क्या मकसद है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, और जो हमारे यहाँ पे महापंचायत हो रहा है बड़े पुर अमन पीसफुल हमारा महापंचायत हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछली दफा हमने श्रीनगर में एक महापंचायत किया था और लगता है और देख भी लिया होगा शायद कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतना पुर अमन पीसफुल हमने महापंचायत किया था। अगर दूसरी कोई भी प्रोटेस्ट होता है या फिर पैदल मार्च होता है तो वहाँ पे जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंगें होती हैं उनको डैमेज किया जाता है या फिर पत्थरबाजी की जाती है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम आज भी कानून के दायरे में रह के काम करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, आने वाले समय में भी हम पीसफुल पैदल मार्च करने जा रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि जब होम मिनिस्टर साहब राजौरिया कहा जाता है कि 10% उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। देखिए हमें तकलीफ कुछ भी नहीं है क्योंकि बड़ी बहनों से भी हम तो बड़ी बहनों से भी कोई पर्सनली दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे जो हमारा हक है हमारा स्टेटस है उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। कहा जा रहा है आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी जीता नहीं, आपने सुना होगा सबका साथ सबका विकास सबका वो भी नहीं हुआ। तो अब हमें खतरा इसलिए लग रहा है कि शायद हमारे एसटी स्टेटस के साथ छेड़छाड़ होगी और लगता है लास्ट सेशन चल रहा है, अगर इसी पे कोई गलत फैसला होगा तो हम भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है 35 लाख 36 लाख वो तमाम सड़कों पे होगी और इंशाल्लाह पैदल मार्च स्टार्ट करेंगे और पूरा अमन हमारा ये अगला स्टेप होगा और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे।